हाय गाइस, मैं हूं अमरीन। वेलकम करती हूं आपका हमारे चैनल ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। तो आज हम पढ़ेंगे कल्चर एंड इंटेलिजेंस क्या होता है। तो हमने जैसे देखा है कि इंटेलिजेंस का एक सबसे ज़रूरी कंपोनेंट होता है कि इट प्रोवाइड्स अस अडैप्टेबिलिटी टू द एनवायरनमेंट। तो कल्चर एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि कल्चर हमें ग्रो करने का, हमें जीने का, हमें बढ़ने का, आगे बढ़ने का, खाने का, पीने का, हर चीज़ का एक ज़रिया प्रोवाइड करता है। तो कल्चर कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है, कहीं ना कहीं क्या पूरे तरीके से इफ़ेक्ट करता है। तो अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारी इंटेलिजेंस को डेवलप होने में। जैसे अगर देखा जाए जो लेस टेक्नोलॉजिकल कल्चर्स होते हैं, उसमें सोशल, इमोशनल, ये सारी चीज़ें ज़्यादा वैल्यू की जाती हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो अगर जो जो वहाँ पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस्ड है, वहाँ पर पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल फुलफिलमेंट, ये सब चीज़ें ज़्यादा वैल्यू की जाती हैं। तो कल्चर इन सेंस हुआ क्या? कल्चर इज़ अ कलेक्टिव बाउंड ऑफ आर बिलीव्स, आपके विश्वास, आपके एटीट्यूड, आपके कस्टम्स और वट नॉट। मतलब वट एवर यू फील लाइक यू हैव इन अ कल्चर, देर इट इज़। आपका आर्ट हो गया, आपका लिटरेचर हो गया एंड वट नॉट। तो ऐसे तो कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। और इन्वायरमेंट ऑफ कोर्स, अगर इंटेलिजेंस इज अडैप्टेबिलिटी टू द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट जो है वो हमारी इंटेलिजेंस को हेल्प करेगा ना डेवलप होने में। काफ़ी थ्योरिस्ट ने तो जो थ्योरीज दी, दैट वॉज रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, रिगार्डलेस ऑफ देयर इन्वायरमेंट। पर ऐसे कई थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज़ को वैल्यू किया, जैसे स्टर्नबर्ग्स की थ्योरी। उन्होंने बताया कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इन रिगार्ड टू द कल्चर। मतलब वो बंदा इंटेलिजेंट है जो अपने कल्चर के वे से, कल्चर के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है। तो ये स्टर्नबर्ग की इंटेलिजेंस थी। विगोत्स्की, जो एक इन्होंने कल्चर और इंटेलिजेंस पे काफ़ी रिसर्च करी, तो उनका मानना था कि कल्चर हमारे जैसे इंसानों की तरह है। मतलब उसकी अपनी लाइफ होती है, वो बढ़ता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, फिर वो सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है, फिर एक एंड पॉइंट आता है, एंड पॉइंट जहाँ पर वो अच्छे से डेवलप हो चुका होता है। तो ऐसे कल्चर टू कल्चर हमारे एक्शंस, हमारे इंटेलिजेंस, हमारे एटीट्यूड्स सब वेरी करते हैं। अगर हम देखे जाए तो एलिमेंट्री एक्शंस होते हैं कई। एलिमेंट्री मतलब जो बचपन में किए जाते हैं एक्शंस होते हैं। एलिमेंट्री मींस हैबिचुअल, मतलब यूजुअल एक्शंस, जैसे कि क्राइंग हो गया और हंसना हो गया। अगर आपको कोई स्मेल आ रही है, आप वहाँ से चले जाते हो, तो ये सब हमें कोई कल्चर नहीं सिखाता। ये हमारे एलिमेंट्री प्राइमरी एक्शंस होते हैं कि कोई स्मेल आ रही है तो हम वहाँ से भाग जाते हैं, हमें कोई हर्ट कर देता है, हम रो देते हैं, हमारी मदर हमें आवाज़ मारती है तो हम उसे अटेंड करते हैं। तो ये सब एलिमेंट्री एक्शंस हैं। पर उसके बाद सेकेंड चीज़ आती है, हायर मेंटल फंक्शंस। हायर मेंटल फंक्शंस क्या होते हैं? वो फंक्शंस जो एक कल्चर टीच करता है कि आपको इस तरीके से एक्ट करना चाहिए। तो जो हायर मेंटल फंक्शंस होते हैं, कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं। जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कल्चर्स होते हैं, उनमें क्या सिखाते हैं? स्किल्स ऑफ जनरलाइजेशन। स्किल्स ऑफ जनरलाइजेशन मतलब कि अगर आपके सामने फैक्ट प्रेजेंट कर दिए गए, तो आप जनरल उससे स्टेटमेंट, जनरल कंसेप्ट उसका निकाल सकते हो। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब आइडियाज, आपके माइंड में आइडियाज जो जनरेट हो रहे हैं, मतलब फिजिकली तो वो प्रेजेंट नहीं है, बट यू आर जनरेटिंग योर थॉट्स एंड योर आइडियाज़ रिगार्डिंग इट। उसके बाद आता है मिनिमल मूव्स एंड मेंटल मैनिपुलेशन। मिनिमल मूव्स का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कैंडी क्रश हो गई। कैंडी क्रश में जब आप हायर लेवल्स पे पहुँचते रहते हैं, तो जो हार्डर लेवल्स होते हैं वो उसमें क्या करते हैं, करीबन आपको 10, 15 या 20 तक मूव्स देते हैं एंड यू हैव टू क्रश दी कैंडीज। मतलब जो भी उसका टास्क है, जो भी उसका टारगेट है, यू हैव टू फुलफिल द टारगेट। तो वट लाइक ये गेम भी जो आई थी, ये आई थी वेस्टर्न कल्चर से ही। तो वट दे आर बेसिकली एक्सपेक्टिंग कि मिनिमल मूव्स जब हम ज़्यादातर करते हैं, तो जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो ज़्यादा शार्प अप हो जाती है। उसके बाद मेंटल मैनिपुलेशन। मेंटल मैनिपुलेशन मीन्स आप माइंड में मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ें, मतलब कैसे किस चीज़ को करना है आप सोच के। जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, वो पूरा उन्होंने घर का अपना नक्शा अपने माइंड में मैनिपुलेट कर लिया, माइंड में ही बना लिया, और उसके बाद वो उस चीज़ को कर देते हैं। वॉट आर दीज कॉल्ड? मेंटल मैनिपुलेशंस, मतलब माइंड में ही चीज़ों को इधर उधर करके देखना। एग्जाम्पल, दैट्स एन एग्जाम्पल। तो ये जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो ये वाला बिहेवियर
अप्रूव करती हैं, ये वाला बिहेवियर प्रोवोक करती है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जनरलाइजिंग और मेंटल मैनिपुलेशन, ये वाला बिहेवियर जो प्रमोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। और ये टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस मतलब हमारे को किस किस चीज़ पर फोकस करता है, हमारी अटेंशन पे, हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे, हमारी एनालिटिकल स्किल्स पे, हमारी परफॉर्मेंस पे, हमारी स्पीड पे, हमारी अचीवमेंट पे, ये इन सबको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। अब देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ नहीं होती इतनी, वो किस पे फोकस करती है, उनकी अप्रोच होती है कलेक्टिविस्ट अप्रोच। कलेक्टिविस्ट अप्रोच मीन्स वो सब पे फोकस करती हैं, मतलब सोसाइटी एज अ होल, अपने आप पे फोकस भी करना बट अदर लोगों पे भी फोकस करना। ऐसी सोसाइटी सेल्फ रिफ्लेक्शन भी फोकस करती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन मीन्स अपने आप को समझना, अपने इमोशंस को समझना, अपने डिज़ायर्स, अपनी विल, इन सब चीज़ों को समझना। और जो नॉन टेक्नोलॉजिकल सोसाइटीज़ हैं वो किस पे फोकस करती है, पर्सनल अचीवमेंट में, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ तक हूँ, मतलब इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है इसकी। अब ये तो हो गया कि टेक्नोलॉजिकल, नॉन टेक्नोलॉजिकल या वेस्टर्न, नॉन वेस्टर्न, पर अगर देखा जाए तो इंडिया में कैसा कल्चर है। अब इंडिया एक होलिस्टिक व्यू लेती है। होलिस्टिक व्यू मीन्स कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस भी है और नॉन कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस भी है। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस मतलब ये सारी चीज़ें, जैसे अंडरस्टैंडिंग हो गया, जनरलाइजेशन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। डिस्क्रिमिनेशन मतलब चीज़ों के बीच में आप डिफ़र कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये चीज़ इससे अलग क्यों है या ये चीज़ इससे अलग है। डिस्क्रिमिनेशन, यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन थिंग्स, दैट इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन। अब इंडिया में इंटेलिजेंस को इंटीग्रल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इंटीग्रल इंटेलिजेंस क्यों? क्योंकि वो खुद पे भी फोकस करती है और सोशल एनवायरनमेंट पे फोकस भी करती है, मतलब आई माई सेल्फ ऑल्सो एंड आई रिलेटेड टू अदर्स ऑल्सो, मतलब कनेक्शन दोनों में वो भी फोकस करती है और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच भी है उसमें। अब जैसे एक संस्कृति वर्ड है, दैट इज कॉल्ड बुद्धि। अब बुद्धि का मतलब क्या होता है? जेपी दास का कहना था कि बुद्धि मीन्स मेंटल एफर्ट। मेंटल एफर्ट, कोई भी चीज़ में एक इंसान अपना कितना एफर्ट डाल रहा है, कितने ध्यान से सोच रहा है, कितनी गहराई से सोच रहा है, मेंटल एफर्ट। देन डिटरमाइंड एक्शंस, उसका हर एक एक्शन डिटरमाइंड है, मतलब वो जो भी कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। वो अपनी फीलिंग्स पे फोकस करता है, मतलब फीलिंग्स भी बुद्धि में एक पार्ट है। उसके ओपिनियंस क्या हैं लोगों का लेकर, ये भी एक पार्ट है। इसके साथ साथ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस स्किल्स भी एक पार्ट है, जैसे हो गया नॉलेज, हो गया डिस्क्रिमिनेशन, हो गया अंडरस्टैंडिंग, हो गया, तो ये सब भी एक बुद्धि का पार्ट है। तो दोस्तों, बुद्धि इसके अलावा एक और चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है और वो है सेल्फ, मतलब हमारी कंसाइंस कैसे है। कंसाइंस मीन्स मेरे हिसाब से क्या गलत है, क्या सही है, मेरी विल, मेरी डिज़ायर। तो मतलब बुद्धि ऑल्सो हैव अ पार्ट ऑफ सेल्फ, जो कि यूजुअली वेस्टर्न कल्चर्स में नहीं है, मतलब यूजुअली क्या, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कल्चर्स में नहीं है। तो दोस्तों, इन सब पैरामीटर्स पे हम इंडियन इंटेलिजेंस को चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है कॉग्निटिव कैपेसिटी, सेकेंड सोशल कैपेसिटी, थर्ड इमोशनल एंड फोर्थ एंटरप्रेन्योर। तो फर्स्ट क्या होती है? कॉग्निटिव कैपेसिटी। कॉग्निटिव कैपेसिटी अंडरस्टैंडिंग, जनरलाइजिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो ये सब क्या है? कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। फिर सेकंड आता है सोशल। सोशल कॉम्पिटेंस मतलब हाउ यू रिस्पेक्ट, मतलब हमें इंडियन कल्चर में माना ही जाता है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट आर एल्डरली पीपल, हम अपने यंगर ब्रदर यंगर सिस्टर की हमें हेल्प करनी चाहिए, नीडी लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो वट इज़ दिस? दिस इज़ सोशल कॉम्पिटेंस। उसके बाद आता है इमोशनल कॉम्पिटेंस। इमोशनल कॉम्पिटेंस दोस्तों कहता है कि हमें अपने इमोशंस को समझना चाहिए प्लस दूसरों के इमोशंस को भी समझना चाहिए। हमारे सेल्फ रेगुलेटिंग इमोशंस होने चाहिए, मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, हमेशा एक अच्छे तरीके का व्यवहार होना चाहिए, दैट मीन्स गुड कंडक्ट शुड बी देयर एंड वी शुड इवैल्यूएट आवर सेल्फ, देयर शुड बी सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन मतलब कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरी इमोशनल नीड्स क्या हैं, दूसरों के इमोशनल नीड्स क्या हैं, एवरी थिंग दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद आता है दोस्तों इंटरप्रेन्योर इंटेलिजेंस। मीन्स इंटरप्रेन्योर मीन्स बिजनेस इंटेलिजेंस, बेसिकली योर विजिलेंस पावर। विजिलेंस मीन्स सावधानी, आप कितनी सावधानी बरतते हैं,
कितना आपका पेशेंस है, सावधानी आप कितनी बरत रहे हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, आपका कितना पेशेंस है, आप कितने टाइम तक एक चीज़ पर टिके रहते हैं, कितने परसिस्टेंट हैं, कितने कमिटेड हैं अपने वर्क को लेके, कितने हार्ड वर्किंग हैं। तो ये सब पार्ट होता है दोस्तों एंटरप्रेन्योर इंटेलिजेंस का। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियो होती है ख़त्म। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। आप नीचे अपनी कोई भी क्वेरी कमेंट डाउन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिनके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।